नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 80% जो कोविड-19 पेशेंट है उनमें विटामिन डी की कमी पाई गई है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि विटामिन डी की कमी से ही बहुत सारे जो डिसीज जो है वो पैदा होती है। साथ ही यह हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत काम में लिया जाता है। लेकिन अभी एक नए रिसर्च में सब बात सामने आई है कि 80% जो पेशेंट है कोरोना वायरस के उनमें विटामिन डी की कमी पाई गई है, जिससे कि उनमें इम्यूनिटी और रोगों से लड़ने की क्षमता, बोन की डेंसिटी में बहुत ज्यादा भारी कमी देखने के लिए मिली है। साथ ही यह भी क्या कहा गया है कि विटामिन डी जो है वह बीमारी को लंबा करने नहीं देता है। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप विटामिन डी के लिए कौन कौन से आहार ले सकते हैं और साथ ही आप इस आहार को लेकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कोरोना वायरस से बच सकते हैं या बचे रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन जो है नहीं आई है। बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि इन्होंने इतनी वैक्सीन बना ली है या इतनी वैक्सीन बनाने का टारगेट है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई स्पेशल या फिर कोई भी एक सर्टिफाइड आंसर नहीं मिला है। तो जब तक आप बचे रहेंगे उसके लिए आपको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होगी। और साथ ही दोस्तों, ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के बाद विटामिन डी की कमी होने के कारण बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनमें टायर्डनेस और फैटिक की समस्या देखी गई है। मतलब वो जल्दी तरीके से अपने काम में वापस नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे स्तर तक अटैक करता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं विटामिन डी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विटामिन डी पोषक तत्व जो है वो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। ये साथ ही कोविड-19 रोगियों के लिए जो अगर उनमें अपर्याप्तता देखी गई है या कमी देखी गई है तो उसको भी पूरा करता है, विटामिन डी से जोड़ा जाता है। और साथ ही कुछ विटामिन डी अपने अगर आप अपने आहार में शामिल कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी जो और डिसीज कंडीशन है उससे बचाकर रखता है। आजकल आपको धूप लेने का टाइम नहीं है, साथ ही आप बहुत टाइम जो है एसी में बिताते हैं, एसी भी बहुत ज्यादा तक बहुत स्तर तक आपके विटामिन डी को कम करता है। तो सबसे पहले है आपका फैटी मछली या वसा युक्त मछली कहा जा सकता है। वसा युक्त मछली में आप क्या आएंगे, ट्यूना, सैल्मन और मैकरेल, जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ये है सेकंड है आपका दुग्ध उत्पाद, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी विटामिन डी की भरपूर मात्रा उनमें पाई गई है, जैसे कि है दूध, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों में भी दैनिक आहार में आप इसको शामिल कर सकते हैं। अंडे का योग, कई लोग जो है बहुत ही ज्यादा फैटी है करके अंडे के योग का सेवन नहीं करते हैं या अंडे के योग का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अंडे के जर्दी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अनाज और फलों में बहुत ही ज्यादा विटामिन डी की मात्रा पाई गई है, तो अगर आप नाश्ते में अनाज लेते हैं तो उससे आपको भरपूर विटामिन डी की मात्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका मशरूम, अगर आप किसी भी तरह के मशरूम का सेवन करते हैं या कि अपने नाश्ते में या फिर अपने खाने में डिनर में, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप विटामिन डी का भरपूर उपयोग करते रहे। एक और बात है दोस्तों, अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आप धूप से भी ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। इसके लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेडिकल और नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद दोस्तों।